नमो वरहतारम नमो सिद्धारम नमो वायारम नमो वज्यायारम नमो लोहे सवसागुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। अगम चक्षु साहु पहला वाक्य क्या कहा था, जिन्हें आत्म साधना करना है, जिन्हें सुख शांति की अभिलाषा है, उन्हें अपनी कल्पनाएं नहीं दौड़ाना चाहिए, आगम से देखना चाहिए। तुम मायाचारी हो, तुम फलाने हो, तुमने ऐसा किया, कर्म ने किया है, हमारे तुम्हारे बीच में कर्म है, ध्यान रखना। आगम चक्षु साहु, हर प्रसंग को आगम से देखना चाहिए। हम जरा जरा सी बातों में अपशकुन समझ करके डर जाते हैं, स्वप्न देख लिया डर गए, कहीं आंख फड़क गई उल्टी सी डरने लगे, हल्का बात आंख फड़क गई। अरे आगम में आंख फांक कहाँ लिखा है, आगम में तो कर्म और नो कर्म लिखे। कर्म प्रबल कारण, जीवों को सुख दुख का सामग्री मिलने में प्रबल कारण उसका कर्म है। अब कर्म की तो तुम और ध्यान मत दो, कर्म तो अच्छे करो नहीं, जिन परिणामों से पुण्य बंद होता है, जिन परिणामों से पाप कर्म का संक्रमण होता है, अपकर्षण होता है, वे परिणाम का तो ठिकाना नहीं, और बस अपने उसमें लग रहे, जन का बात आंख फड़क रही, वो सूचक होते हैं, विकर्ता नहीं होती। आप अपने परिणामों को ध्यान में रखना सीखो, उसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी, किसके सिवा, बताओ, अपने उपार्जित, इनके उपार्जित नहीं, अपने उपार्जित। हमने अपवाद किया होगा तो अपवाद होगा, हमने दुखी किया होगा तो दुखी करेगा कोई हमें, हमने अंतराय किया होगा तो अंतराय होगा, हमने ज्ञानी की विराधना की होगी तो ज्ञान की बुद्धि उल्टी चलेगी। अपने उपार्जित कर्म, दूसरे के उपार्जित नहीं, इस दूसरे के कर्म का फल जीव को मिल जाए तो अपने उपार्जित कर्म फल की सफलता खो जाए तो। दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म का फल इस जीव को नहीं मिल सकता, ऐसा जानकर ही भाई तुम न ईर्षा करो न किसी को दोष दे। नमक किसने डाला था, इनने डाला था, इनको इनने बुलाया कि तुमने बुलाया, अरे किसी ने बुलाया, तुम्हारे कर्म ने बुलाया। यानी क्यों उल्टे दिमाग चलती रहती है, शास्त्र पढ़ते रहते आराम से और बहुत लाभ मानते रहते, मिथ्या, बहुत लाभ है, क्या लाभ है, उल्टी दिमाग चल रही तुम्हारे, उल्टी विकल्प चलती रहती, और विकल्प नहीं होते हमें। तेरा उपयोग गर्दर से भी श्रेष्ठ है क्या,
कि ध्यान रखो आप तो स्वयं महंत रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादिक को जीता है, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं है। नहीं, अनिति नहीं हो सकती, कर्म का दोष नहीं दिखाई देगा। नो कर्म की तो बात बहुत दूर है, कर्म का भी दोष नहीं दिखाई देगा। क्यों? कर्म तो गवाह हैं, साक्षी हैं। उस कर्म के उदय के अनुसार बाहर में सामग्री बन गई, तुम्हारे परिणाम हो गए। अब कर्म को तुम नहीं देखो और बस नो कर्म को देखते हो। कर्म जबरन अपने फल में जीव को नहीं जोड़ता, आगम का वचन है कि नहीं बोलो? कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं जोड़ता। कितनी गाथाएं लिखी, ये तो श्लोक छंद बता रहे नजर। सुबिया असो शब्द बहु वैसे, ये नहीं कहते तुम हमें सुनो और राग द्वेष करो। कहां कहते? और आत्मा उनको ग्रहण करने नहीं आता। सुविया अशोभ दृश्य मुझे से ये नहीं कहते तुम हमें देखो और राग द्वेष करो। ये नहीं कह रहा तुम देखो, अरे ये अच्छा कलर नहीं है, ये राग द्वेष मत, बहुत बढ़िया कलर। राग द्वेष करने के लिए नहीं कह रहा। सुविया अशुभ गंध तुम्हें ये नहीं कहती तुम सुनो ये साबुन अच्छा है, ये इतर अच्छा है, ये तेल अच्छा है, ये खराब है। अरे भाई कहाँ तुम उपयोग में भटका रहे हो, लुट जाओगे। विषय कषाय दिखते बहुत सरल हैं, पड़ेंगे बहुत महंगे। सुविया अशुभ गंध का ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन कितना है। एक खुशबू अच्छी है, खुशबू तो अच्छी है, तेल साबुन पाउडर खुशबू खुशबू सुविया अशुभ गंध तुमसे ये नहीं कहती कि तुम मुझे सूंघो और राग द्वेष करो। विषयों के लिए तुमने सारा जीवन अपना होम कर दिया। अगर तुम्हें आराधना करनी है तो आगम से देखना सीखो। इनने अंतराय किया कि इनने अंतराय किया? किसी ने अंतराय, कर्म अलग है, किसी ने अंतराय नहीं किया। अब तुम अंतराय कर्म को देखते ही नहीं हो और समता नहीं रखते, देखते भी हो तो पढ़ लेते, पंडिताई करते हो। शास्त्र को शास्त्र मत बनाओ। क्या मतलब? शास्त्र के द्वारा अपने समता भाव का घात मत करो, ज्ञान आदि का घात मत करो, ऐसे विचार मत करो जिससे तुम्हारी स्वच्छंदता बढ़े, अभिमान बढ़े, कथाएं बढ़े। किसी के प्रति द्वेष हो जाए ऐसे भाव मत सोचो, शास्त्र में से ऐसा विचार मत करो। मिश्री तो मीठी है, खटास नींबू की है, नींबू के हाथ लग गए उसमें। कल बताया मिश्री तो मीठी है, इसमें नींबू के हाथ लग गए इसलिए खटास आ गई। धर्म तो आनंद रूप ही है, इसमें हमारे दुर्विकल्प चले गए इसलिए हमारी दुखी हो रही है, और कुछ नहीं। ऐसे विचार करो, ये गंध हमसे ये नहीं कह रही राग द्वेष करो, हमें जुड़ो, हमें इष्टनिष्ठ मानो। ये तेल की खुशबू अच्छी है, साबुन की खुशबू अच्छी है, तुम जो उपयोग करते हो उसकी बात कर रहे हैं हम, दुनिया की पंचायत नहीं कर रहे। वो ही चाहिए,
सुभिया असो जो स्वाद हैं भी तुमसे ये नहीं कहते, चखो और राग द्वेष करो, बढ़िया भोजन खराब भोजन, मिर्ची ज्यादा है मिर्ची कम, नमक ज्यादा है नमक कम, अरे ठीक है तल कम खा ले। तुम तत्व विचार करोगे तो तुम्हारे जीवन में समता की ओर बढ़ते जाओगे, समता आती आएगी, तुम्हारा शांत मन होता जाएगा। भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन, तेर करें शिव मार्ग में जग माय जिनीश्वर के लघु नंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगटो अवधात निकंदन, शांत दशा तिनकी पहचान, करें कर जोर बनारसी वंदन। झूठ मत बोलो हमें साधना करनी है, बहाने बना करके और टालन करके साधना नहीं होती, कर्तव्य का पालन साधना के साथ में। व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है क्या, परमार्थ के साथ यथा पदवी व्यवहार होता ही है, जाना हुआ प्रयोजन। रिजल्ट कुछ नहीं है तो तुम्हारा विचार खोटा है। रिजल्ट विपरीत है तो तुम्हारा विचार खोटा है, और रिजल्ट कुछ नहीं है तो तुम्हारे तत्व विचार बिल्कुल नहीं है। विपरीत विचार चलते रहते हैं, तुम कहते रहो मिर्च वाला चांबूल चबाए हस्ते झूठी शान सो, वैसे ही शान दिखा रहे अपनी कोरी ऐंठ दिखा रहे हमसे कोई कह, ये मन कसाय को छोड़ दो हमसे कोई कहे, हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें मनाया नहीं जाएगा, हमसे क्षमा नहीं मांगी जाएगी, हमारे पाए नहीं छुए जाएंगे, ये अहंकार छोड़ दो, सहज भाव से स्वीकार कर लो। पंगत में उसने पंखा चला दिया अंगोछा हला दिया, भैया भोजन करो, एक आदमी बैठ गया, हमसे तो कहीं नहीं, मूर्ख तुमको, हमसे तो कहीं नहीं, हम तुमसे अलग करेंगे। वो किस किसी के पांच व्यक्तियों की पंगति में किन किन से कहेगा, अनुचित अपेक्षाएं मत रखो, अनुचित सिद्ध पूजी मत करो, क्या अनुचित अपेक्षाएं मत रखो और अनुचित जिद पूरी भी मत करो। चलो कह दे भाई अपनों का विगत, अरे विगत ये है कि आदत खराब हो जाती है उसकी, जिस बच्चे की अनुचित जिदें पूरी होती आती है वो बच्चा बिगड़ जाता है। हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, सुनते सुनते इतने दिन हो गए लेकिन मुंह से नहीं निकला गलती तो हमारी है, इससे बड़ी अहंकार की पराकाष्ठा क्या होगी बताओ, मुंह से नहीं निकलता गलती तो हमारी है। पंचम काल भरत क्षेत्र में क्यों पैदा हुए हम, हमारी कोई सुनता नहीं है, तुम्हारी सुनता क्यों नहीं है, तुम किसी की नहीं सुनते, तुम किसी की नहीं मानते, विचार करो तब समझ में आएगी। पांच प्रकार के स्वाध्याय में अनपेक्षा नाम का स्वाध्याय प्रधान है, सब है वाचना वाचना प्रचना अनप्रेक्षा आमना धर्मोपदेश,
आत्महित के लिए वांछन करना चाहे कैसे ही नहीं, सम्यक ज्ञान के आठ अंग सहित वांछन करना, शुद्धता से अक्षर शुद्ध बोलो, भाव को समझते जाओ, मिलाते जाओ अपनी परिणति को, योग काल में बैठो, काम के समय हमें पढ़ाई करनी है, विकल्प चल रही है, और पढ़ाई के समय में बातें करनी है, प्रमाद करना है, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे अगर दिन छोटे हैं तो रात बड़ी है, रात छोटी है तो दिन बड़ी है। अब तुम सोने में कमा जाओ तो हम क्या कर, आखिर होते तो 24 ही घंटे। आत्महित के लिए बचना, शुद्धता से बचना, योग काल में बचना, बहुमान रखना गुरुजनों का, शास्त्रों का, जीवन चला जाएगा, अहंकार पनप जाएगा। ठीक है, मत मानो तुम, जिद कर लो, लेकिन जिद करने से होगा क्या? मनमानी मत करो, जिनवानी अगर समझना है तो मनमानी करने की कोशिश करोगे, जिनवानी से दूर होती जाओगे। आत्महित की दृष्टि से बचना, छेवसम बढ़ाने के लिए नहीं, पंडिताई करने के लिए नहीं, श्रव का चार तो हमने बांच लिया, और जैसे बोल रहे तैसे ही बोल रहे, दो साल पहले भी वैसे ही बोलते थे, वर्तमान में भी ऐसे ही बोल रहे, श्रव का चार तो हमने बांच लिया। अरे बारंबार बांचो, फिर बांचो, प्रमाचर्या पहले थी और प्रमाचर्या आज भी है, और श्रव का चार तो हमने बांच लिया। बांच लिया का मतलब ये है जीवन में आ जाए, सोचने में आ जाए, बोलने में आ जाए, करने में आ जाए, नहीं बांच लिया। एक भाई बोला, बहुत पुरानी बात है, सच्ची बात है, रास्ता चलते वो हमने समयसार जी का स्वाध्याय कर लिया, अब काय को करें, नियम सार को तुम जानो, नियम सार, नियम तो पढ़ लो पहले, तुम्हारा कोई नियम नहीं है, अनर्गल प्रवृत्ति है, अहंकार से मानते हो, हमारी बहुत नियम है, बैरात्मा बाहर के नियमों को जानते हो, समयसार पढ़, हमने काय के ग्रंथ को स्वाध्याय कर लो, हमसे पूछ रहे कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करें आप, के समयसार जी का, हमने समयसार जी कर लो और आगे और रही गो, घर आ गए और ये पूछ रहे कौन सी बस में बैठे, घर आ गए और पूछ रहे कौन सी बस में बैठे आप, समयसार तुम्हें पढ़ाए, नकल समयसारा दुत्तरम किंच दस्ती, इसके बाद कोई नहीं, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, यही पढ़ो तो यही कष्ट नहीं तो कहा करोगे, रोटी रोज खाते हो, कपड़े रोज धोते हो तो तुम्हें शर्म नहीं लगती, फिर रोज रोज जो ही करें, और सांस पढ़ने में तुम्हें ये लगती है, शर्म आती है, आत्महित के लिए पढ़ो, मुझे इतनी बातों को सुनकर मेरा हित करना है, वैसे ही सुन लिया, क्षयोपशम बढ़ाने के लिए नहीं, पुण्य बनाने के लिए नहीं, पाप से बचने के लिए नहीं, बाहर की व्यवस्थाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं,
क्या करें, चलो शास्त्र में बैठे तब भी करें, कोई पूछे तो वो तो है। बाहर की ख्याति लाभ के लिए तो बिल्कुल नहीं, पाप बंद का कारण होगी, विषय सामग्री के लिए नहीं। अनुमोदना तक नहीं है, अभी तो क्या होगा। ये बढ़िया कहा, इन्हें क्या करना चाहिए ये सोचने का अधिकार हमारा नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें क्या करना चाहिए। ये रोज रोज लेट आते हैं हमें मालूम, अब क्या करें, कुत्ता की पूछ कहूं टेढ़ी सीधी होती है, चकमुख पत्थर में से सीधलता निकलेगी, आ गई निकलेगी जगहोगी तो। अज्ञानी के मुंह से क्या निकलेगा, अज्ञानमय भाव, अज्ञानी के सर भाव अज्ञानमय होते होते हैं, और तुम कुछ कर नहीं पाओगे, होते हैं, तुम अपनी शक्ति मेहनत लेकर बर्बाद करोगे। हम जान रहे कहा जान रहे कि कोई जानने लायक बात है, टाल दो उसको, अनुशासन भंग होता है, व्यवस्था भंग होती, तुम अनुशासक नहीं हो, तुम्हारे ऊपर अनुशासन की जिम्मेदारी पालने की तो है, करने की नहीं। अनुशासन पालो, अनुशासन में रहो। अगम चच्छु साहू, आत्महित की दसी से बांचो, जिज्ञासा से प्रश्न करो, पूछो काय के लिए, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए नहीं, जो हमने समझा है हमने ये समझा, बताओ गलत समझा हो तो सुधार, बस समझ लिया आपने और ऐंठ गए और दूसरों को समझाने लगे। हम देखते हैं आपके स्वाध्याय की तरीका बहुत गलत है, कभी ये गुरुत्व करने लगती, कभी ये गुरुत्व करने लगती, कभी ये गुरुत्व करने लगती, सुनने की गुंजाइश नहीं, सुनाने की गुंजाइश है, समझाने की अभी भी ललक पड़ी है, समझने की नहीं है। अपना अपना शास्त्र रख लो भैया, बांचो और हम क्या करें, यही बांचो, कमरे पर नहीं ध्यान रखना। भोजन जब भोजनशाला पे करोगे तो स्वाध्याय काम आचोगे, पूजा कहां करोगे, कमरे में कर लोगे पूजा। अपना अपना शास्त्र लेकर के बचो, दूसरों को मत समझा, और प्रतिज्ञा कर लो नहीं समझ में आएगी तो हम पूछेंगे। प्रश्ना स्वाध्याय का अंग है, विनम्रता से अवरोधन करते हुए पूछो, और फिर ये विचार करो, अनुपेक्षा स्वाध्याय काय का नाम है, ये मेरे जीवन में कैसे आए, मेरी श्रद्धा में कैसे आए, मेरे आचरण में इस रूप कैसे, ऐसे वचन मेरे मुंह से क्यों नहीं निकलते। हमें आदर नहीं है इसका मतलब है, हम अपने को कुछ अलग से समझते हैं, नहीं तो इन शब्दों में हमारी आलोचना क्यों नहीं होती, इन शब्दों में निवेदन क्यों नहीं होता, इन शब्दों में बातचल क्यों नहीं होता हमारा। शब्द भी यही होना चाहिए, ध्यान रखना कि रूढ़वादी है कि रूढ़वादी नहीं है, सहज में निकल रहे हैं इसलिए रूढ़वादी नहीं है। क्रोध में क्रोध जैसे शब्द निकलते हैं, मान में मान जैसे शब्द निकलते हैं, माया में माया जैसे शब्द निकलते हैं, लोभ में लोभ जैसे शब्द निकलते हैं। हम मांगते हैं, प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, मांगने की आदत, प्राण जाए पर जाए चेतना ही। अब तुम उल्टा अभिमान से कह रहे हो हमें कोई पानी पिला दे, कोई कोई नौकर तुम्हारा जो तुमको पिला देगा, हम मांगेंगे नहीं,
तो मांगोगे नहीं, काउ को एहसान नहीं करोगे, मांगना नहीं करोगे, तो इसका मतलब यह है तुम अपनी कसायों को घटाओ। हमारा ध्यान रखना चाहिए हम मांगते नहीं। अरे मांगते नहीं तो क्या मतलब, क्यों नहीं मांगते, किस भूमिका में, किस पदवी में, क्या होता है, उसको बड़ी प्रकार से समझना चाहिए। जैन धर्म में तो ये आमना है, जितने अपने राग आदि घटे हों, उस पद में जिस क्रिया में सर्व प्रकार से क्रियाओं को अंगीकार करे, एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची मत करे। हम मांगते नहीं और चाहते हैं, अरे जी कौन कह दिया, मांगते नहीं है नहीं मिलता तो क्रोध करते, जी कहां दिख रहा है। हमसे क्षमा मांगे, तुम भी क्षमा मांगोगे कभी, और इतना सुनने के बाद भी फिर अपना अड़ जाओगे, ऐंठ के बैठ जाओगे अलग। हमसे कोई कहे जी लगाने से बिने नहीं हो जाएगी, भैया जी और पापा जी और मम्मी जी और पंडित जी और बस, जी लगाने से बिने नहीं हो जाएगी खाली। ये वाचनिक बिना है, मानसिक बिना चाहिए। अगम चक्षु साहू, अगम से देखना चाहिए। अमाय माने ये हमारे, वो क्या नाम, अंतरिक्षा माने ये हमें कैसे जीवन में आया, इस बात को सोचो। अभी हमने जो विनय पढ़ी है, हम पढ़ रहे थे कल रात को, विनय उस जो आदमी को हल्का ना कर दे वो विनय नहीं हो सकती, जिसमें को सोचना पड़े विनय नहीं हो सकती। स्वाभाविक होती है विनय, सहज होती है। हम रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज जयजनन करते हैं, रोज मांगते हैं, फलाना करते हैं, तो क्या एहसान थोड़ी करते हो, झूठ बोलते हो, रोज करते हो। सामने पड़ गए तो बस जयजनन प्रणाम वंदना अलग से, हम रोज करते हैं। जब हम कह रहे हैं परोक्ष विनय भी होती है, प्रत्यक्ष विनय भी होती, फिर क्या बात है, उसका प्रयोजन बताया। सवेरे तुम जयजनन करोगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा तुम उठ गए, हमें कहा मालूम तुम क्या बजे उठे, तो कही थी कि नहीं कही थी, बोलो ईमानदारी से कहो। जयजनन करके हम बड़े होना नहीं चाहते, करा करके सिर्फ हम ये देखेंगे तुम जयजन मन उठ गए, अब तुम नहीं करोगे हमें कहो, नहीं मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम पड़ेगा, तुम चाल चूल करते रहोगे, कभी दो मिनट लेट, कभी पांच मिनट लेट, कभी पंद्रह मिनट लेट, तुमने उसको मान लिया, हम तुम हमसे करो। सामने दिखता नहीं जयजन कैसे करते हो, तो सामने दिखते नहीं भगवान नमोकार मंत्र काय को पढ़ते हो, सामायिक पाठ काय को करते हो, ये कोई बात रही। जिसमें कुछ सोचना पड़े वो विनय नहीं हो सकती, जो आदमी को हल्का न कर दे वो विनय नहीं हो सकती। तुम वृक्षों से भी गए बीते हो, अगर अहंकार है तो वृक्ष में भी फल आते हैं, तो उस पृथ्वी की ओर वृक्ष की डालियां झुक जाती हैं। हम आज्ञा मान रहे हैं, हम भला ना कर रहे हैं, हम टीका कर रहे हैं, अरे भाई भ्रम मत पालो, तुम मायाचारी, तुम भ्रमचारी हो, वो कोई देख रहे हो, दूसरों की मायाचारी दिख रही है। हमसे कह देना चाहिए आगम ये कहता है दूसरों से अपेक्षा मत रखो, अनुचित अपेक्षाएं मत रखो, और दूसरों की अनुचित अपेक्षाएं पूरी भी मत करो।
बिगाड़ो मत, हमने कुछ नहीं बैठे रहने, बिहार चलो भोजन कर लियो, दया हो गई, दया नहीं हो गई ये बिगाड़ दिया व्यवस्था। बैठे रहने का मतलब क्या है, सोचने दो। बैठे रहने का मतलब क्या है, सोचने दो। अकेला छोड़ दो उसको, सोचने दो भी। हमारी सब अपेक्षा क्यों करते हैं, उपेक्षा क्यों करते हैं, हम दूसरों की उपेक्षा करते हैं, ये सोचने दो। जब तक नहीं सोचे तब तक बस कुछ नहीं, मोह पर निर्दय होकर के प्रहार करो, ये आगम चक्षु है। क्या लिखा है, लिखा है कि नहीं, मोह पर निर्दय होकर प्रहार करो, दया नहीं होती अनिश्चित। और दया करोगे तो ईमानदारी नहीं कर पाओगे, बिगाड़ दोगे अनुशासन नहीं कर पाओगे, दया करोगे तो। कहीं माता जी ने 5 रुपया पकड़ा दिए, कहीं बहन ने 5 रुपया पकड़ा दिए, अब क्या कौन धंधा करे बेचारा। अवश्य उसने सोच लिया हमें तो मिल जाती है, हमें क्या करना। कृत कार्य का अनुमोदना से होता है कि नहीं, अनुशासन में रहना, अनुशासन के पालने में सहायक होना, अनुशासन में रखना, तीनों बातें आना चाहिए। बीच बीच में अपना अनुशासन मत करने लगो। अनाधिकार से काम भोग बंधन की क्या लिखा उसने, आचार्य चुकरता है, सुनी है, परिचित है, अनुभूत है, उसका आचार्यत्व करता है। माने तुम ऐसो कर ले, तुम ऐसो कर ले, तुम ऐसो कर ले, हम ऐसो कर ले। अरे भारी, तुम जो शास्त्र में लिखा है उसको तुम करने को तैयार हो कि नहीं। बहुत गंभीर वाक्य है आगम चक्षु साहू, नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं, नियम लेना ही पर्याप्त नहीं, नियमों का पालन भी होना चाहिए। और अपन को अपना नियम भंग नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ये सोचना। और जहां रहे वहां का नियम भंग नहीं करना चाहिए। अपनी नहीं बनती, अपनी से कोई बात नहीं, हम अनुप्रेक्षा में ये नहीं है कि उसका बारंबार राजा राणा छत्रपति बस दो चार बार पढ़ दिया तो हो गया अनुप्रेक्षा, बार बार विचार कर लिया तो रहने की तरह हो गई अनुप्रेक्षा। हाँ, इसका हम अपने जीवन में प्रयोग कैसे करें। आमना है अपनी परिणति को आगम से मिलाओ, अपने उत्तर को उत्तरमाला से मिलाते हो कि नहीं, क्यों गणित के विद्यार्थी हो। जब तुम अपना उत्तर उत्तरमाला से मिलाते हो, चाहे किसी से नहीं, और अगर मान लो मिसप्रिंट हो कोई तो अध्यापक से पूछते हो, सब ये मिल नहीं रहा, समझ में नहीं आ रही, मिसप्रिंट तो नहीं है। तो अपनी परिणति को आगम से क्यों नहीं मिला दी, चाहे किसी से कैसे मिलाओ। ये क्या करते हैं इसका फल उनको मिलेगा, हम क्या करते हैं उसका फल हमको मिलेगा।
जेब की मायाचारी का फल इनको मिलेगा, तुम्हारे अभिमान का फल तुमको मिलेगा, ध्यान रखना। इनकी मायाचारी का फल तुम्हें नहीं होगा, तुम्हारे अभिमान का फल इन्हें नहीं होगा, पक्की बात है, कच्ची बात बिल्कुल नहीं है। ये अहगम है, अपने उपार्जित कर्म फल को जी पाते हैं सभी, इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी, ऐसा समझना चाहिए। एकाग्र मन होकर सदा दाता पर है भूख का, इस बुद्धि को खोकर सदा, कोई दूसरा दे जाएगा ये इस बुद्धि को छोड़ दो। जो असंगी जीव हैं ऐसे जीवों की भी दया का उदय संगी जीवों को दिया है श्री गुरु ने। श्री गुरु सर्व के उपकारी हैं, और तुम सोच ले हमारे उपकारी नहीं है, हमको छोड़ करके सबके उपकारी हैं, पक्षपात करते हैं, तुम पक्षपात से देखते हो। तुमने हमसे कहा कुछ और हम चुप रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है उसका समाधान नहीं ढूंढेंगे। इनकी शिकायत मंदे कुछ कही, सच्ची भी कही, तो इसका मतलब है ये नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने बुला करके डांट दें ये कोई तरीका नहीं है, तब तुम्हें संतोष होगा। तुम्हारे सामने डांट दें सोई तुम बड़े मर जाओगे, हम देख लो हमने डांट पड़वा दी, हमने दंड दिलवा दिया। ये छल बहुत खराब, न छल ग्रह छल ना बने। आचार्य तुम मत करो भाई, अगम चक्षु साहू, आगम चक्षु साहू का मतलब बढ़िया वाक्य बोलना, जो पहले बोला नंबर एक पर शुरुआत में, कितने लोग नहीं आए वे भी सुन लें कम से कम, बोल दो। अरे तुमसे कह रहे हो कुछ, फिर कहा बड़े में जांगू जा रहे, बोलो। यदि अपनी साधना करनी है शांति से रहना है तो आगम के अनुसार देखना सीखो। अगम रूपी तीसरे नेत्र के बिना संसार का प्रलय नहीं हो सकता, दुख का अभाव नहीं हो सकता। तुम करने वाले नहीं हो, इसके भीतर कर्म है, अब तुम कर्म को देख नहीं रहे, इसको देख रहे सामने नो कर्म को, कुत्ते जैसी दशा में हो, राजी पकड़ रहे हो, मारने वाले को नहीं देख रहे। सीता जी ने क्या कहा था, धर्म को नहीं छोड़ना, लोग भी तो धर्म का भी अपवाद करते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि जहां नहीं हो, कसायों की तीव्रता हो, तो धर्म का भी अपवाद करने लगते हैं, धर्मात्माओं का भी अपवाद करते हैं। उसे सुनकर के धर्म को मत छोड़ देना, धर्म को मत छोड़ देना माने बता है? धर्म को नहीं छोड़ना माने धर्मी को मत छोड़ना, न धर्म वो धार्मिक के बिना, धर्मी को छोड़ दोगे तो धर्म छूट जाएगा तुम्हारा। छोड़ना माने सिद्धांत छोड़ना, ज्ञान छोड़ना, आचरण छोड़ना, विचार छोड़ना, ये तुम्हारी क्रियाएं नहीं है बाहर की। छोड़ना माने ये नहीं है उतार कर दो, छोड़ना माने अपना मानना छोड़ दो। व्यवहार को हे कहते हो तो किसका अर्थ क्या है, व्यवहार को धर्म मानना छोड़ देना, व्यवहार को अपना उपाधेय मानना छोड़ देना।
अब तुम वस्तु को छोड़ना मानते हो? वस्तु को नहीं छोड़ना। किसने कहा निकल तू घर से मैल अटारी छोड़ दे, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल बस्ती करने दे बने, हटा हटा यहां से। इसका नाम छोड़ना नहीं है, अपनी दृष्टि हटा दे, करने दे भैया तो तुम करो जो कुछ करो। जोर जोर से ये भजन गाने लगे और डेक बजाने लगे तो क्या करे तुम? भजन पे तो तुम्हारा रो रहा है, सुन क्या जोर से मत बोला था और डेक बजाने लगे तब तब क्या करोगे? अब बस है क्या कहते मतलब ये है, अपनी सहनशीलता बढ़ाओ। छोड़ना माने मिथ्या छोड़ना, अज्ञान छोड़ना, असंयम छोड़ना, विभावों को छोड़ना, परद्रव्य को नहीं छोड़ने की बात है। परद्रव्य स्वयं में छूट जाता है, कुभाव छोड़ते हैं तो कुसंग छूट जाता है, कुभाव छोड़ते हैं तो कुसंग छूट जाता है। और धर्मोपदेश, धर्मोपदेश का क्या अर्थ किया था याद है तुम्हें? जो हमने पढ़ा है, प्रसंग पढ़ा है, घर पे जाकर के विचार करो, अपने को संबोधो। ए का पढ़ के आए अभी तुम? का पढ़ के आए? का सुन के आए अभी? यही सुन के आए? हमसे कोई कहता हम रोटी खाएंगे, प्रतिज्ञा कर लो। हमसे कोई कहता हम इलाज कराएंगे रोग का, ध्यान रखना। अभिमान के नाम, स्वाभिमान के नाम पर अभिमान का पोषण मत करना। स्वाभिमान ही बड़े छोटे का भेद समझता है, पर्याय का ज्ञान होता है जब ऋषि पूर्वक। योग अयोग को समझता है, अभिप्राय को समझता है आचार्य। आगम चच्छु साहू, आगम से विचार करना सीखो। ये मेरा घर है ये मत विचार करो। क्या विचार करोगे? ये अध्रुव है, अशरण है, ये मेरा बेटा है, ये मत विचार करो। जो विचार करो ये अशरण है। जितना उदय नहीं है उतनी सेवा वो नहीं कर पाएगा पुत्र पिता की। अपेक्षा रखे तो झूठी है। आजकल की लड़की, आजकल की लड़की, और तुम कब के हो? क्यों आजकल की लड़की और तुम कब के हो? तुम छोटे कार के हो? इतने बेवकूफ आदमी है, समझ में नहीं आती। इतना इनका आजकल के लोग, आजकल के ब्रह्मचारी और तुम कब की हो? जाने अपने को क्या समझ लिया है। द्रव्य दृष्टि से भगवान समान समझना ये भगवान होने का उपाय है, लेकिन पर्याय दृष्टि से भगवान मान लेना ये भ्रम है, अनंत दुख का कारण है। आजकल की लड़की, तुम भी आजकल के ही हो। आजकल में कितना समय आ गया? एक दिन के, दो दिन के, तीन दिन के, चार दिन? कल में कितना आ गया? अनंत भूतकाल, अनंत भविष्यकाल।
टुमारो यस्टरडे बीता हुआ कल और आने वाला कल, बोलो ये तुम्हें अधिकार नहीं है बोलने का। आजकल के लड़के, आजकल की लड़कियां, आजकल की बहुएं, ये तुम्हारा अहंकार है। तुम भी आजकल के ही हो, तुम का पंचम काल के नहीं चौथे काल के हो। नेक जरा है, छेड़ाराम क्या लिखा है, सिंहाधिक सैनी है क्रूर, निवल पशु खाए भूल, कबहु आप भयो बलहीन। सामने बलवान ने कुछ कह दिया तो तुम चुप रह गए, और कमजोर ने कुछ कहा तो तुमने उसको चुप कर दिया। डर पुण्यवान को दो, तुमने दबा, तुम दब गए पुण्यवान थे, और पाप के उदय वाले थे, तुम्हें उसको तुमने दबा दिया। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। अरे एक भाई बोल बीमार होते हम, हमने बीमार नहीं हो तो आश्चर्य। जब तुम काम कुपथ सेवन करती हो, उल्टे उल्टे विचार करती हो, पड़ोसी से ईर्ष्या रखते हो, है खाने पीने का विवेक नहीं रखते, तो बीमार तो होगी, बीमार का हम पड़ेंगे। मन का भी बहुत बड़ा योगदान है शरीर के रोगी होने में। मन खराब हो जाता, भूख चली जाती है, देख लो तुमको अनुभव है कि नहीं है। और मन का भोजन मिल जाता तो भूख आ जाती है, कहां से आ जाती, कहां से आई और कहां गई। ईसा देश क्रोध मान अहंकार आदि करने वाला जीव भी कभी न शांत हो पाएगा न स्वस्थ हो पाएगा। बीमार कमजोरी रहेगी तो मैं कमजोरी कमजोरी परिणाम को कमजोर कर रहा हूं। कमजोरी है तो विषयों में कमजोर बन जा, धर्म मार्ग में कमजोरी क्यों करती। अनुचित अपेक्षा रखना भी नहीं, और अनुचित अपेक्षा पूरी भी मत करना। समझ में आया, इन्हें क्या करना चाहिए कभी नहीं सोचना, हमें क्या करना चाहिए या सोचना, तो काम बन पाएगा नहीं, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसी भाषा बदल गई है केवल, अपने कार्य को ईमानदारी से करो, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप मत करो। भाषा बदल गई और कुछ नहीं हो गया। अब तुम्हारी नहीं समझ में आए, तुम तो भी अपने को नहीं समझते हो तो समझते रहो। अल्पज्ञ का भाव रखना, मेहनत मने का भाव मत रखना। क्या लिखा है पंडित जी ने, सदा सुखदास जी, वो तो जयचंद जी ने, अल्प ज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि मत करना। अल्प ज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि करने से अपना ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। प्रवचन सारी में बड़ी सुंदर चर्चा आई है, अपने से समान गुणों की संगति में रहने से गुणों की रक्षा होती है, और अधिक गुणों में रहने से गुणों की वृद्धि होती है। अब तुम अपने से हीन लोगों की संगति में रहोगे तो क्या होगा। पानी अग्नि की संगति करे तो वो तो गर्म होगा, मैल की संगति करे तो मैला होगा, रंग की संगति करे तो रंगीन होगा, और बर्फ की संगति करे तो बर्फ ही हो जाएगा, ठंड है जम जाएगा।
वो पानी जम जाएगा, बर्फ की संगति करेगा, और शीतल कोने की संगति करेगा तो शीतल कोने में शीतल बना रहेगा। बस कुछ समझो, सीखो, विचार करो, ये रोज के काम है तुम्हारे। पानी भीतर डर दियो, ये पानी गर्म हो, अरे बाहर की गर्मी सूखने वाले बर्तन में भी रखोगे तो गर्म होगा। बाल्टी में, कलसी में पानी गर्म हो जाता है और घड़े में पानी ठंडा बना रहता है, वो नहीं आता, बना रहता है, ध्यान रखना। वो थोड़ी कर देगा उसको शीतल, घड़े का निमित्त पा करके पानी स्वयं ठंड रूप परिणमित होता है। एक तरफ दूसरे से देखा करता तो कभी हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। तुम्हें लगा घड़े का पानी ज्यादा ठंडा हो गया, आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञान अभ्यास करो। आलस छोड़ो माने आलस पर्यंत सारी कथाएं छोड़ो, अनंतानवंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, उससे पहले छूट जाता है आलस। प्रमथ छठवें गुण स्थान तक है, प्रमथ सातवें गुण स्थान में। अब आलस छोड़ो, आलस छोड़ो माने क्रोध छोड़ो नहीं है। ये कहां कही तुमने कि बाबा जी आए, उन्होंने उपदेश दिया, क्या अच्छे बूढ़े पुराने आ गए। भैया तुम बूढ़े पुराने बूढ़े हो गए, रात में मत खाओ कराओ, जाओ महाराज नहीं खाएंगे। और दूसरे दिन आना बंद, क्यों भैया आए क्यों नहीं, कि महाराज आप नहीं तो कही थी रात में रोटी मत खाओ करो, पानी फिर कैसे पिए थे, झूठे मुंह आते। ऐसी उल्टी बातें पकड़ लेते हैं, ये छल ग्रहण करते, उपदेश ग्रहण नहीं करते। छल ग्राही सोता और हट ग्राही सोता उपदेश का पात्र नहीं होता। धर्म उपदेश किसे कहते हैं, जो हमने पढ़ा है सुना है उसको संबोधन स्वयं को करना, और प्रसंग पढ़ने पर औरों को तो विनयवान देखे, रुचिवान देखे, तो थोड़ा बहुत उन्हें भी संबोधन कर दे। मुख्य रूप से स्वयं को संबोधन करना। जी कहां सुनी है, कहां पढ़ी है, क्या वो तेजित हो जाए, और तेजित यहां तो होंगे नहीं, वहां होंगे। तो जब वहां होंगे तो यहां की सुनी हुई वहां विचार कर। मध्य तू उपदेश को प्रथम ले उपदेश, सबसे न्यारा आगम है वह ज्ञानी का देश। उपदेश दूसरों को ही दिया जाता है, ये समझते हो, अरे ज्ञान दान दूसरों को दिया जाता है, स्वयं को भी दिया जाता है। आहार दान दूसरों को नहीं दिया जाता है, स्वयं को भी दिया जाता है भाई। तो फिर ये दूसरों को उपदेश दिया जाता है, ये क्यों सोचते हो। विद्वान लोग थे, बाबा जी का समाधि मान था, अंतिम समय था, बाबा जी से बोले विद्वान लोग, महाराज अब अंतिम उपदेश दे देने का हमें। बोले भैया जो तुम उपदेश दूसरों को देते हो वही उपदेश अपने को दे दिया करो। अंतिम उपदेश क्या है, जो उपदेश दूसरों को देते हो धीरे बोलो तो तुम धीरे बोलने लगो। मोक्ष मार्गी का घर स्वर्ग होता है। जो भगवान की पूजा करता है, देव लोग ताको घर आंगन, क्या लिखा है, लिखा है कि नहीं, देव लोग ताको घर आंगन। और देव लोग कैसे होगा, परिणाम से होगा, कैसे होगा, घर स्वर्ग होता है मतलब उसमें रत्न जड़े होते, ये मत सोच लेना। बोलो उसमें निशंकता होती है, बात्सल्य होता है, प्रभावना होती है, उपगन होता है, स्थितिकरण होता है,
अनर्गल प्रवृत्तियां नहीं होती। काउ ने कई बिना कान के कच्ची सुन ली और मान ली वैसी वैसी ठोक गई, ऐसा नहीं होता। अमूर्त दृष्टि होती है, मूर्त दृष्टि नहीं होती। घर स्वर्ग होता है का मतलब, हर प्रसंग को भावात्मक रूप से देखना चाहिए। अगर भावात्मक रूप से नहीं देखेंगे तो काम नहीं चलेगा भाई। शरीर से मनुष्य और भावों से त्रियंच मत बनो, भावों से मनुष्य बनो, भावों से श्रावक बनो, भावों से मुनि बनो। भावलिंग भावलिंग आगम चक्षु साहू विचारना। अभी बहुत थोड़ा कहा है हमने, 12 भावनाएं विचारो। आगम में 12 भावनाएं कही, हमने तो यही कह दिया ये अनित्य है, असरण है। अभी 12 भावना पढ़ो। अगर मैं ये कहा है पर में पर द्रव्यंत है प्रीत जो है संसार अवो, अगर तुम प्रीति करोगे मेरी मम्मी तो दुखी कौन होगा, मेरा बेटा दुखी कौन होगा। संसार खड़ा हो जाता है अगर हम अगम से न देखें तो। कल कहा था बहुत अंतिम बात है बोलो, विपरीत भावों से विचारों से मोह बढ़ता है पुष्ट होता है, सम्यक विचार से तत्व विचार से मोह घटता है और तत्व की अनुभूति से मोह मिटता है। और मोह मिटता है माने मोह से होने वाले सब दुख मिट जाते हैं। मोही को कोई सुखी नहीं कर पाएगा, निर्मोही को कोई दुखी नहीं कर पाएगा। कितना ही हो गया यार, कितने ही उपसर्ग हो गए, कुछ भी हो, अर्थी प्रमादी विपरीत चिंतन में अगर अपना जीवन खोगे बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। इन सबका संबंध परिणामों से, भाव कर्म से, द्रव्य कर्म से नो कर्म। अनंत को बुढ़ापा नहीं आता, अनंत को बुढ़ापा नहीं आता, अनंत के भक्त को भी नहीं आना चाहिए, ये कह रहे हो। अनंत के भक्त को बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें ये लगता है अब तो बूढ़े हो गए अब क्या करने, तो समझ लेना चाहिए अनंत की भक्ति नहीं तुम्हारे अंदर। अरंत भगवान ये कहते हैं जिनवाणी का स्वाध्याय करो उत्साह से, ओम नमः शासन नायक महावीर भगवान की जय हो।